तो आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल में पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल, इंडक्टिव आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023, एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, इनवाइट आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉलोइंग पोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर सर्विस अंडर द डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। 52 वैकेंसी यू आर कैटेगरी में, 25 आपकी एस सी एस टी में 7, ओबीसी ए में 12, ओबीसी बी में 8, इकनोई सेक्टर में 12, ठीक है। फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट यहाँ पे आप दे सकते हैं 122 पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट रिसीव एप्लीकेशन 17 अगस्त 2023 3 बजे तक दोपहर के, ठीक है। क्लोजिंग डेट आपकी फीस ऑफलाइन जो रहेगी 18 अगस्त रहेगी। यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट थ्रू ऑनलाइन रहेगा, ओनली कमीशन वेबसाइट, यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखते हैं wpsc.gov.in, यहाँ पे 25 जुलाई से आपका स्टार्ट है। बिफोर अप्लाई ऑन आपका यहाँ पे देखते हैं फॉर द टाइम पोस्ट कैंडिडेट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इनरोल देम सेम वन टाइम इनरोलमेंट, ठीक है। तो आप एक बार आप इसमें वन टाइम इनरोलमेंट में आप रजिस्टर कर लें, प्लेस कोलकाता, ठीक है। ये 15/7/2023 को नोटिफिकेशन आया था, मैं आपको बता देता हूँ ओटीआर में किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यूज़र गाइडलाइंस भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं आपका इनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, ठीक है। इस तरीके से कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ईमेल आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल आपका मिडिल नेम और यहाँ पे फर्स्ट नेम इस तरीके से, फादर नेम और यहाँ पे आपका मदर नेम, रजिस्टर इस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पहला आपका जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो पहला स्टेप है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए यूज़र गाइडलाइंस में आपको देखने को मिल जाएगी सारी चीज़ें। आप सक्सेसफुली आप जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओटीपी आपके आएगा रजिस्टर मोबाइल पर, ठीक है। आपको ओटीपी डालना है इस तरीके से, आप एनरोलमेंट नंबर ओटीपी यहाँ पर डालें, वैलिड पर क्लिक कर देंगे। वैलिड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एनरोलमेंट, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा। ओके पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पर आपको देखिए एनरोलमेंट नंबर पासवर्ड जो आपने क्रिएट करा होगा यहाँ पे आपको जो है कैप्चा को फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेम, ठीक है, अप डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सब इस तरीके से, ठीक, सेव आपको क्लिक करना है। इसके बाद यह कि देखिए आपको जो डिटेल आ रही है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका एबिलिटी टू रीड यस या नो, आपको बंगाली, आपको नेशनलिटी, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देख रखी हैं तो आप दे सकते हैं। परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, ठीक है, अपना आपका जो फोटो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर का यहाँ पे आपको साइज देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए आप जो पोस्ट होगी इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से ओटीआर के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसे इसकी वैकेंसी लाइव होगी मैं आप लोगों को उसकी कंप्लीट जानकारी भी दे दूंगा। आई होप जानकारी और वीडियो दोनों अच्छे लगे हों। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने धन्यवाद।